हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरोही और आज इस वीडियो में बताऊंगी कि आप अपने हस्बैंड को क्या गिफ्ट दें हनीमून के फर्स्ट नाइट में। आप देखो, इसमें कोई गलत सोचने वाली बात है नहीं, वो आपको बहुत सारे गिफ्ट देंगे, तो आपको भी आपके पहले यादगार मोमेंट को हमेशा याद रखने के लिए उनकी चॉइसेस भी तो पता होनी चाहिए ना। नहीं पता है तो वीडियो में ज़रूर देखिए। मोस्ट पॉपुलर जो बॉयज़ को काफ़ी पसंद होती हैं वो गिफ्ट मैं इस वीडियो में बताऊँगी। नंबर वन है कि आपको उन्हें गुलाब का फूल देना है, देना ही होगा, और बुके दीजिए या फिर एक सिंगल रोज दीजिए। उन्हें प्रपोज़ ज़रूर करना, प्रपोज़ करना और प्रपोज़ करने के साथ ही सारी गिफ्ट ज़रूर देना, इससे आपका प्यार भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि उन्हें दीजिए, अगर वो फिटनेस से काफ़ी फिटनेस के शौकीन हैं तो ज़रूर उन्हें फिटनेस सूट जो आता है, योगा सूट या फिर जिसे हम ट्रैक सूट कहते हैं, वो आप ज़रूर से ज़रूर दे सकते हैं, वो काफ़ी इंप्रेस होंगे। नेक्स्ट है परफ्यूम। परफ्यूम उन्हें दीजिए जो वो डेली यूज़ कर सके और वो महकते रहें और उन्हें आपकी याद दिलाती रहें। नेक्स्ट है सनग्लासेस। जी हाँ, सनग्लासेस बॉयज़ को काफ़ी पसंद होते हैं, तो उनकी पसंदीदा सनग्लासेस आप उन्हें ज़रूर दें। रिस्ट वॉच बॉयज़ को काफ़ी पसंद होती हैं और ट्रेंडी जो न्यू लेटेस्ट लुक में है, आप उन्हें रिस्ट वॉच ज़रूर दे सकते हैं। म्यूज़िक के शौकीन हैं तो ज़रूर उन्हें म्यूज़िक के रिगार्डिंग कुछ ज़रूर दे सकते हैं आप। चाहे उन्हें आप गिटार दीजिए या फिर बहुत सारी चीज़ें जो आप अफोर्ड कर पाते हैं, तो म्यूज़िक के रिगार्डिंग आप ज़रूर दीजिए कुछ चीज़ें। नेक्स्ट है इमोजीज। जी हाँ, आजकल बहुत ट्रेंड में है इमोजीज, स्माइली इमोजीज, जो अपनी वो ऑफिस के टेबल पर रख सके, अपने साथ रख सके। जी हाँ, इमोजीज की काफ़ी चीज़ें आती है, इमोजीज के बैचेस भी आते हैं, ज्वेलरीज भी आती हैं आजकल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये हमेशा की याद दिलाती रहेगी। आप फोटो फ्रेम्स भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ, इमोजीज का आइडिया काफ़ी अच्छा है। आजकल इमोजीज, स्माइली इमोजीज काफ़ी मिलते हैं, और आप उन्हें जो निकनेम से बुलाती हैं वो भी कस्टमाइज करा के आप उन्हें दे सकती हैं। किसी भी तरीके से आप कस्टमाइज कराएं, चाहे उनके नाम के साथ, उनकी फ़ोटो के साथ, या किसी भी तरीके से आप उन्हें कस्टमाइज करा के उन्हें दे सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। थैंक यू सो मच।